भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ और लंबे समय बाद अपने घर वालों को देखकर वह भावुक हो गई और रोने लगी। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, उनका दर्द देखकर हर कोई भावुक हो गया। वह लगातार आंसू पोंछ रही थी, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए उनकी फैमिली के अलावा भारत के स्टार रेसलर ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी पहुंची थी। और इसी के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे थे। आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की बात पहले ही कह चुके हैं। विनेश फोगाट ने ओलंपिक पोडियम पर ना पहुंचने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपनी व्यक्तिगत निराशा को भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए व्यापक संघर्ष से जोड़ा था, जिसे उन्होंने पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन में समर्थन किया था।